ओके गाइस, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख रहे हो कॉस के अंदर कुछ टर्म लिख रखा है, देन माइनस, फिर कॉस के अंदर एक टर्म लिख रखा है, एंड उसको फाइनली आपको क्या प्रूव करना है, माइनस का रूट टू साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पे सिंपली सिंपली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, कॉस ए माइनस कॉस बी, और ये क्या होता है, माइनस का टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू। और ये फॉर्मूला कहां से आया, इसकी बात हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। ओके, सो यहां पे अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, माइनस का टू साइन टू साइन, और ये हो गया थ्री पाई अपॉन फोर प्लस एक्स, ये आपका ए हो गया, और यहां पे ये आपका हो गया बी, थ्री पाई अपॉन फोर माइनस एक्स बाई टू नाउ इन टू साइन ए माइनस बी, यानी थ्री पाई अपॉन फोर प्लस एक्स माइनस थ्री पाई। अब देखो जब आप माइनस करोगे तो यहां पे जो थ्री पाई बाय फोर है वो नेगेटिव का हो जाएगा, और माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट प्लस एक्स अपॉन टू। बस इसको सॉल्व करने की देरी है, आंसर आ चुका है, आंसर यहां पे आपको मिल चुका है। तो माइनस का टू, देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 यानी कि 2 टाइम्स साइन के अंदर 2 टाइम्स 3 पाई बाय 4 एंड होल अपॉन 2 इनटू साइन 3 पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 कैंसिल, ये बचा 2x बाय 2। सो माइनस का 2 और यहां पे साइन, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन 3 पाई बाय 4 इनटू साइन x, टू से टू कैंसिल हो गया, और फाइनली अब मैं इस टर्म को अगर ऊपर ले जाऊं तो माइनस का टू साइन, अब देखो थ्री पाई बाय फोर को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाय फोर, एंड ये आपका आ गया साइन एक्स। नाउ माइनस का टू साइन साइन पाई माइनस थीटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, और पाई में कन्वर्जन नहीं होता है, तो ये आपका बना क्या, साइन पाई बाय फोर एंड यहां पे साइन एक्स। सो माइनस का टू साइन पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज वन बाय रूट टू, और ये आपका आ गया इंटू साइन एक्स। बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका आ गया माइनस का रूट टू साइन एक्स। तो इस तरह आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ओके गाइस, अब बारी है आपका क्वेश्चन नंबर 12 की, तो जिसमें आपको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इनटू साइन 10x। तो सबसे बेसिक फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, साइन 6x प्लस साइन 4x इनटू साइन 6x माइनस साइन 4x। दोनों में साइन वाले फॉर्मूला लगाओ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूले बहुत ही डेप्थ में डिस्कस कर चुके हैं, बट यहां मैं अगर आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं मैं फिर भी रिकॉल कराने के लिए आपको यहां पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, तो जगह टू साइन ए प्लस बी बाय टू इंटू साइन ए माइनस बी बाय टू, एंड सेकेंड फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी, ये आपका हो जाएगा टू साइन टू कॉस ए प्लस बी बाय टू इंटू साइन ए माइनस बी बाय टू। तो देखिए तो ये रहेगा टू साइन 6x प्लस 4x यानी 10x बाय टू यानी कि 5x इंटू कॉस 6x माइनस 4x यानी कि 2x बाय टू यानी कॉस एक्स इंटू साइन ए माइनस साइन बी टू कॉस ए प्लस बी 6x प्लस 4x 10x बाय टू यानी कि 5x इंटू साइन 6x माइनस 4x यानी 2x बाय 2 यानी कि x। तो ये आपका बन गया, देखो आपको करना क्या है, साइन 2x और साइन 10x, बस थोड़ा सा आपको इसको रीअरेंज करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखो ये 2 साइन 5x है और cos 5x यहां पर है, तो इसको यहां से उठाओ और इसके बगल में इसको बैठा दो। अभी ऐसा क्योंकि आप समझ गए होंगे, या तो कुछ लोग समझ गए होंगे या कुछ लोग अभी समझ जाएंगे, और जो यहां पे 2 साइन एक्स है ये वाला पार्ट,
इसके बगल में कॉस एक्स को बैठा दो। तो अगर आपको याद हो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a इंटू कॉस a। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको देखो कोसाइन a और कॉस a एंगल दोनों सेम है, तो आपका साइन 2a हो रहा है। तो यहां पे साइन 5x कॉस 5x एंगल सेम है, जब एंगल a था तो उसका ट्वाइस यहां आ गया, अब यहां एंगल 5x है तो उसका ट्वाइस यहां आ जाएगा। सिंपल, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a से इसको आप कंपेयर करोगे देन यू विल गेट हाउ यू विल गेट साइन 10x। नाउ 2 साइन x कॉस x ये तो वही फॉर्मूला है, तो कितना आ गया साइन 2x। अब उसमें पहले कहेंगे आप साइन 2x इंटू साइन 10x से बात तो ही की है आप साइन 10x तो साइन साइन 10x इंटू साइन 2x तो या साइन 2x इंटू साइन 10x करो, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जैसा क्वेश्चन नंबर 12 था वैसा ही है, आप उसको खुद से ट्राई करें, अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं कि आपने क्वेश्चन ट्राई किया और आपको नहीं आया, तो वो सिमिलर क्वेश्चन है, मैं इसलिए उसको नहीं करा रहा हूं, उसको हमने स्किप कर दिया है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको देगा साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x इनटू साइन 4x। सो अब देखो, अब इसको आप करेंगे कैसे, तो सबसे पहले इसमें एक चीज नोटिस किया करो कि आ क्या रहा है आंसर, साइन 4x दिख रहा है आपको, तो साइन का 4x आपको दिख रहा है यहां पे, तो एक काम ये करना कि साइन 4x वाले टर्म को तो छेड़ना ही नहीं है, ऑलरेडी पकी पकाई खीर मिल रही है तो उसको बिखेरना नहीं है, वहां पे सेटलमेंट है उसका, दैट इज ओके। नाउ बची कौन सी चीज, साइन 2x एंड साइन 6x, तो इसको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो साइन 2x प्लस साइन 6x और 2 साइन 4x को मैंने छेड़ा ही नहीं। नाउ इसमें जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 साइन ए सॉरी साइन 2a प्लस साइन साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया है, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन 2x प्लस 6x यानी 8x बाय 2 4x इंटू कॉस 2x माइनस 6x यानी माइनस का 4x अपॉन 2 यानी माइनस का 2x प्लस 2 साइन 4x। एक और चीज हमको पता है, कॉस माइनस का थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, सिमिलरली sec माइनस का थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा, ये हम पिछले लेक्चर में इसकी बात कर चुके हैं। सो तो कॉस माइनस का थीटा क्या बनने वाला है, प्लस का कॉस थीटा, यानी इसकी वैल्यू को यहां पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाउ 2 साइन 4x, अब इसमें आप 2 साइन 4x कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 साइन 4x कॉमन और यहां बच गया cos 2x प्लस 1। अब बात ये आती है cos 2x प्लस 1 ये कहां से आ गया, हमें तो प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, तो साइन 4x वाला टर्म तो आ चुका है। तो देखिए ये कैसे आप निकालेंगे, हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, वो क्या है कि cos 2x इज इक्वल्स टू, इसके चार फॉर्मूले थे बट मैं यहां पे सिर्फ वही फॉर्मूला लिखूंगा जो यहां पे यूज होने वाला है, cos 2x plus 1 और चाहिए वैल्यू किसमें, cos के टर्म में, तो मैं यहां पे cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos लिखने वाला हूं, तो वो होता है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो जब मैं यहां से 1 को शिफ्ट कर दूंगा इक्वल के दूसरी ओर, तो ये हो जाएगा 1 plus cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x, तो यानी कि आपका 1 प्लस cos 2x की वैल्यू कितनी आ गई 2 cos स्क्वायर x। तो बस आपको यही करना है 2 sin 4x इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 cos स्क्वायर x 2 into 2 4 तो 4 sin 4x और cos स्क्वायर x, तो आपका आंसर क्या गया 4 cos स्क्वायर x into sin 4x। तो इस तरह से आपका 14th क्वेश्चन भी कंप्लीट। ओके गाइस, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, cot 4x फिर ब्रैकेट के अंदर sin 5x + sin 3x = cot x फिर ब्रैकेट के अंदर sin 5x - sin 3x। तो देखिए यहां भी एक बड़ा सा टर्म दिख रहा है और इसके इक्वल के साइड भी एक बड़ा सा टर्म दिख रहा है, तो इतना तो आपको देख के लगना चाहिए कि आप इस टर्म को इसमें कन्वर्ट जब करेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल होगा,
या सिमिलरली अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूं तो भी थोड़ा टिपिकल होगा। तो एक काम ही करते हैं, अगर हम एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सिंप्लीफाई कर लें तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब हमारा जो मेहनत वाला पार्ट है वो बच जाएगा, क्योंकि हमें मेनली दिखाना क्या है कि ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। हमें प्रूव करना है दोनों चीज के इक्वल है। तो हम करने क्या वाले हैं इसमें कि हम एलएचएस को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम आरएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर दोनों को इक्वल दिखा देंगे। तो चलो शुरू करते हैं, हम दोनों पार्ट को एक साथ देखिए चलते हैं यहाँ पे। तो देखो cot 4x मैं लिखता हूं, cos 4x अपॉन sin 4x, फिर sin 5x plus sin 3x में फॉर्मूला लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 sin 5x plus 3x, 5x plus 3x यानी 8x by 2, 2 sin 4x then cos x 5x minus 3x by 2। नाउ cot x ये आपका हो जाएगा cos x अपॉन sin x, एंड यहां भी फॉर्मूला, तो 2 cos 4x एंड साइन एक्स। आई थिंक आपको फॉर्मूला क्लियर होगा तो आप जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लोगे, इतना सोचने की इसमें जरूरत नहीं है। तो देखो साइन 4x से साइन 4x कैंसिल, तो ये आपका बन गया 2 cos 4x into cos x, एंड यहां पे साइन एक्स कैंसिल तो 2 cos 4x into cos x, ये तो यहीं पे सिंप्लीफाई हो गया यार, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो इस तरह की सिंपल ही क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर आपको फॉर्मूले सारे क्लियर हैं तो आपको देखते ही अंदाजा लग जाता है कि आपको किस टाइप के फॉर्मूले किस टाइप के क्वेश्चंस में लगाने हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक आपको बहुत जल्दी समझ में आया होगा। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की, तो यहाँ पे हो चुका है क्वेश्चन नंबर 15, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।